कोरोना पॉजिटिव, यदि आप कोरोना से संक्रमित हो जाए तो क्या करें, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं पिछले 37 साल से मनोविकार तज्ञ करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी अभी सन्मित्र कोविड हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोगों का इलाज कर रहे हैं। अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, आपको बुखार, थोड़ा सा बुखार भी आता है गुनगुना सा, या थोड़ी खांसी आती है, गले में खर्रासी होती है, या टेस्ट नहीं लगती, या बॉडी में पेन हो रहा है, या थकान आ रही है, तो आपने समझना कि भाई ये कोरोना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब प्रूव होना चाहिए कि कोरोना नहीं है, नहीं तो आप कोरोना है समझ के चलो उसका इलाज करो। तो आपको डे वन में समझो ऐसा होता है कि बुखार है, खांसी है, गले में खर्रासी है, डरने की बात नहीं है, आपने तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। आजकल हर घर में थर्मल गन होना जरूरी है, पल्स ऑक्सीमीटर होना जरूरी है। थर्मल गन से टेम्परेचर नाप लो, कितना टेम्परेचर है, SpO2 देख लो कितना है। तो देखो सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज, इसको बोलते हैं SpO2। तो SpO2 ये 94 के ऊपर होना चाहिए, 94 के ऊपर, मतलब 95-96। और आपका बुखार जो है वो 37.4-37.5, मतलब ये रेंज में होना चाहिए। अभी ये रेंज के बाहर, मतलब ज़्यादा होता है, बुखार है आपको, खांसी है, गले में खर्रासी है, तो ठीक है, आपने कोरोना का इलाज चालू करना चाहिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके। भर्ती होने की जरूरत नहीं, दाखिल होने की जरूरत नहीं, घर में इलाज कर सकते हैं। आप तुरंत रैट कर सकते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो 50% लोगों में पॉजिटिव आती है, बाकी लोगों को निगेटिव आती है, फाल्स निगेटिव बोलते हैं उसको। तो पॉजिटिव आ गई तो सवाल ही नहीं, निगेटिव आ गई इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं है, हो सकता है कि कोरोना है तभी भी निगेटिव आई। तो आपको RT-PCR के लिए तैयारी रखो, और 2-3 दिन के बाद में आप RT-PCR के लिए भेज सकते हो। RT-PCR का भी बहुत लोड आ रहा है, आप 2-3 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि कोरोना टेस्ट निगेटिव, रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव आई हुई है वैसे भी, तो आप RT-PCR के लिए भेज सकते हैं। यदि 2-3 दिन बुखार रहा तो 3-4 दिन, आइडियली पहला जो स्ट्रेन था तो उसमें 5वें दिन 6वें दिन भेजते थे RT-PCR के लिए। अभी दो मत है लोगों के। अभी क्या है, जो कोरोना है ये कोरोना दूसरे दिन ही बहुत ज़्यादा फैल जाता है, सेकंड डे थर्ड डे में भी, तो लोग बोलते हैं सेकंड डे भी किया तो भी चलेगा, वो पॉजिटिव आ सकता है RT-PCR में। तो आप सेकंड डे भी बुखार है तो डॉक्टर आपके एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, आपको एंटीबायोटिक पैरासीटामॉल दे सकते हैं। आपने विटामिन सी बहुत लेना चाहिए, नींबू शरबत बहुत ले लो, आंवला खाते हैं ना, एक आंवले में 7 नींबू, इतना विटामिन सी रहता है, आंवला खाओ। पानी बहुत पीने का है, बहुत ज़्यादा पानी पीने का है। जिंक लो, जिंक विटामिन सी, ये मतलब एकदम बहुत ही कोर ट्रीटमेंट है, और मल्टी विटामिन की गोली खाने का है। आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक लो, पैरासीटामॉल लो, और ये मल्टी विटामिन, जिंक, विटामिन सी बहुत मात्रा में खाने का है, ज़्यादा हुआ तो भी चलता है, ऑब्जर्व करो। इसमें क्या करना है कि एक तो गुनगुने पानी के आप गरारे कर सकते हैं, गर्म पानी की भाप ले सकते हैं ताकि अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा, और आप व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का है, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करो ताकि आपकी लंग्स एक्टिव रहेंगी, और इसमें आप घर में अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है आइसोलेट होना, बुखार आया, खांसी आ गई, आइसोलेट हो जाओ, नहीं तो फिर आप बाकी घर के लोगों को भी संक्रमित कर लेंगे। तो आइसोलेट होने का है जब तक ये सिम्टम निकल नहीं जाते तब तक। अभी इधर ये SpO2 लेवल आपको नापते जाने का है, बुखार नापते जाने का है। यदि बुखार कंटिन्यू है, एंटीबायोटिक चालू है, पैरासीटामॉल चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्टर हो सकता है कि आपको फेविपिरावीर दे सकते हैं, आइवरमेक्टिन दे सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ में, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक और पैरासीटामॉल आप लेते हैं तो उसमें कवर हो जाएगा, कोई चिंता का काम नहीं है। 91-94 एक्सरसाइज, अंडे में, एग्स में अच्छा प्रोटीन है, एग्स खाओ, दूध पी सकते हैं आप, और मतलब बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए पनीर है, चीज़ है, वो भी खा सकते हैं आप, और उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। यदि वो ऑक्सीजन लेवल 91 के नीचे आता है, मतलब 90 है, 90 के नीचे भी जा, 90 है तभी भी चल जाता है, घर में रह सकते हैं आप। यदि वो 90 के नीचे जा रहा है अभी ऑक्सीजन लेवल, पल्स ऑक्सीमीटर से आप देख रहे हैं, तो आपको डॉक्टर बोले ना बोले जो भी है, आपको हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन नेजल कैनुला से चढ़ाना जरूरी है, यदि वो 90 के नीचे जा रहा है तो। पता नहीं कब नीचे खटखट खटखट चले जाएगा। 87-88 है, आपको तकलीफ नहीं हो रही है, तभी भी ऑक्सीजन लेना जरूरी है,
और आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी वो ऊपर नहीं आ रहा है लेवल, तो हॉस्पिटलाइज बिल्कुल नो डाउट हॉस्पिटलाइजना जरूरी है और कंटिन्यूस वॉच रखना जरूरी है कि 87-88 में भी वो ऊपर नहीं आ रहा है ऑक्सीजन देने के बावजूद। देखना है कि वो ऊपर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो धोखे की घंटा है, आपको और ज़्यादा सीवियर इलाज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको रेमडेसिविर चालू करेंगे, मिथाइलप्रेडनिसोलोन चालू करेंगे, हायर एंटीबायोटिक आपको देंगे। हो सकता है कि आपको डॉक्टर अभी पिप्रासिलिन डेजोबैक्टम ये एंटीबायोटिक देंगे, मेरोपिनियम देंगे, टिकोप्लेनिन देंगे, जो भी डॉक्टर डिसाइड करेंगे वो क्या एंटीबायोटिक देना है, सो दैट आपको एंटीबायोटिक हायर एंटीबायोटिक देके आपको कवर करेंगे। मिथाइलप्रेडनिसोलोन चालू है, रेमडेसिविर चालू है, मतलब ये एंटीबायोटिक देते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। एक्सरसाइज करते रहना है, एक्सरसाइज करना है, ऑक्सीजन चालू रखना है और अंडर ऑब्जर्वेशन आप रहते हैं तो कोई चिंता नहीं है। ये इलाज घर में भी हो सकता है, ऐसे देखा जाए तो आप यदि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर में लाते हैं और ऑक्सीजन घर में लेते हैं तो भर्ती करने की जरूरत होगी नहीं और हॉस्पिटल के ऊपर जो लोड आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर में रखो, वो भी एक अच्छा इलाज है घर में रखने का, और आप इलाज आपका कर सकते हैं। अच्छा खान पान, एक्सरसाइज, SpO2 का कंटिन्यूस वॉच ऑब्जर्वेशन ये आप यदि करते हैं तो कुछ भी होने की संभावना, मतलब कोई सीरियस बात होने की संभावना बहुत कम है। वैसे चार अभी टाइप के कोरोना हमको दिख रहे हैं। एक है कि जो चाइना से आया हुआ कोरोना है COVID-19, फिर दूसरा जो है वो अभी जो संक्रमण हो रहा है कि सेकंड थर्ड डे पे पेशेंट सीरियस हो जाना, अभी ये स्ट्रेन नया है, ये दूसरा है। तीसरा है कि पोस्ट वैक्सीन कोरोना लोगों को हो रहा है। पोस्ट वैक्सीन कोरोना वो अलग स्ट्रेन हो सकता है, मगर वो कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। पोस्ट वैक्सीन कोरोना उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम दिखाई देते नहीं है, थोड़ा बुखार आएगा या थोड़ी खांसी रहेंगी और वो निकल जाता है, सीरियस नहीं होता पेशेंट। और चौथा जो है वो है री इन्फेक्टेड कोरोना, मतलब एक बार कोरोना हो गया और आपको दोबारा हो रहा है, और दोबारा कोरोना हो सकता है कि नया स्ट्रेन है उससे कोरोना हो रहा है और लोग दोबारा कोरोना होने में भी उनकी डेथ हो चुकी है। तो आपने ऐसा लेने का नहीं है लाइटली कि मैंने वैक्सीन लिया है मुझे पहले कोरोना हो चुका है, नथिंग डूइंग। आपको पहले जैसा कोरोना ट्रीटमेंट करते वैसे ही करना है, वैक्सीन लेने के बाद में भी आए तभी या दूसरे बार में आया तभी। सो ये आप करते हैं तो डेफिनेटली कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है, कोरोना से कोई मरेगा नहीं है यदि आपको बाकी अच्छी केयर ली जाती है। कौन सी? बाकी आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट अच्छी ले रहे, कंट्रोल में ला रहे, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में ला रहे, बाकी दवाइयाँ कौन सी चालू है वो बराबर ले रहे, किडनी फंक्शन बराबर चल रही कि नहीं, लीवर फंक्शन बराबर चल रही कि नहीं, ये आप देखते हैं तो डेफिनेटली कोरोना से मरेगा नहीं कोई भी। केयर ले लो और बाकी जो है तो बाकी लोगों को प्रिवेंशन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्क का वापर ये आप करते हैं और बाकी भीड़ की जगह नहीं जाना ये आप करते हैं तो डेफिनेटली कोरोना से आप दूर रहेंगे, कोरोना आपको होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।